निकलते हैं यहाँ से वापस। जुनैद आ रहा है। तो इस गांव को कहते हैं दिवर लोलाब। बहुत टाइम के बाद आज यहाँ आया हूँ। पुरानी सारी यादें जो है वो ताज़ा आज हो गई हैं। तो अभी हमें जाना है राइट साइड से। यहाँ से हम अभी दूसरा रूट लेके फिर कुपवारा पहुँचते हैं और आपको जो है बाकी इलाकों से भी मुतारिफ कराएंगे इंशाल्लाह। ये है जी देवर का मार्केट। ये पुराना फील, वही स्ट्रक्चर जो मैंने बचपन में देखा था। कुछ दुकानें नई बनी हैं और कुछ दुकानें जो है वो पुरानी ऐसी है। तो यह है जी बस स्टैंड देवर लोलाब का, और आगे जो है एक टूरिस्ट स्पॉट है जी, क्रिकेट प्ले ग्राउंड है यहाँ लोलाब का। यहाँ हर जगह हर साइड आपको सिर्फ अखरोटों के ना पेड़ देखने को मिलेंगे। कश्मीर के सबसे बेस्ट क्वालिटी अखरोट और बड़ा साइज उनका होता है, अच्छा खासा, यहाँ पे ना लोलाब वैली में मिलते हैं और बहुत सारी ना वैरायटीज़ में मिलता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ हम लास्ट टाइम ना वो राइडर्स जब आए थे सारे राइड पे यहाँ तक, उस दिन फिर हम वहीं रुक के लंच वगैरह किए थे और उसके बाद हम आगे चले थे। ये है जी ट्रैक आलू सकेतसन के लिए जी। तो इंशाल्लाह हमारा आ रहा है वो वाला एक्सपेडिशन भी इंशाल्लाह, तो बने रहे आप चैनल में। इंशाल्लाह वो वाला जो है वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये जो आपको यहाँ पे हाइट पे दिख रहा है ना, ये भी यहाँ एक और सर है, एक और वाटर पाउंड है, पता नहीं कितने सारे और हैं। और यहाँ से फील देखे ज़रा, वो पुराना कश्मीर, पुराने कश्मीर की फील। वाइज़र खोल के ना यहाँ पूरे लोलाब वैली में एक अलग सी फ्रेगरेंस मिलती है। एक तो अखरोटों के ना अखरोटों के पेड़ों से आने वाला वो फ्रेगरेंस प्लस देवदार का मिक्स हो के आता ना, इंसान की जान ज़रा मतलब कह सकते हैं कि जान में जान आ जाती है। तो इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि मैं वाइज़र ओपन करके ही इस वाले पैच को ना क्रॉस कर लूँ, ताकि वो फ्रेगरेंस जो है वो उसको मैं फील करता रहूँ, लेता रहूँ। माशाल्लाह खूबसूरत। जिस दिन हमने राइड की थी, या अगर उनमें से कोई देख रहा होगा, यहाँ बहुत सारे बंदों ने डांस किया था, खासकर किफ़ायत भाई को याद दिलाऊंगा मैं यहाँ। और ये देखें ज़रा अखरोट के पेड़ दोनों साइड से। सो जी हम लोग पहुँच गए हैं टिक्की पोरा लोलाब। और ये देखें जी खूबसूरती इसकी, कैसे इसको ना पेड़ को बचाया गया है, अखरोट के पेड़ को, और जो बहुत अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट इस साइड से तो बचाया जा रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ कश्मीर अगर देखा जाए तो हर जगह ना अखरोटों के पेड़ों को ना काटा जा रहा है, और काटे गए मतलब लगभग 80-90% ख़त्म कर दिए गए हैं। यहाँ से ना हम सगाम पहुँच जाएंगे। पूरे ना लोलाब वैली में आप देखोगे एग्रीकल्चरल लैंड बहुत अच्छा खासा है, और साथ में इसके ना अखरोटों की ज़्यादातर पैदावार इस वाले रीजन में होती है। सेब के बागात भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। और ये है जी, मुझे नहीं पता ये कौन सा साइड है, लेकिन खूबसूरत बहुत है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ ना गर्मियों में आया करें, तब तो सीन्स बहुत कमाल के होंगे और बहुत मज़ा आपको आएगा। हम लोग सगाम पहुंचने वाले हैं। बस ये चीज़ मैं अभी सोच रहा था पिछले 1-2 किलोमीटर से, कि रियली जो हमारी पंडित भाई थे ना, वो देवर बिलोंग फ्रॉम यू नो हेवन जिसको कहते हैं ना, ये वाला पार्ट। और मतलब मेरे लिए वो लफ्ज़ ही नहीं है बयां करने के लिए कि मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ। बट ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि रब कुछ ऐसा करे कि हम फिर से एक साथ मिल बैठ के जो है रहे यहाँ कश्मीर में। बाकी आप लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है, रियली 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 बहुत बहुत बड़ी कुर्बानी। ऐसी जन्नत जैसी जगह को छोड़ के फिर स्ट्रगल करना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। हम लोग अभी सुगाम में एंटर हो चुके हैं। सुगाम वाहिद एक ऐसा इलाका है जो बहुत बड़ा वास्ट है इस पूरी वैली में, एक सेंटर हुआ करता था लोलाब वैली के लिए, बहुत सारी चीज़ों से फेमस है। यह है जी सुगाम की मस्जिद शरीफ, जामे मस्जिद शरीफ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और
सुगम के ना नज़ारों का क्या कहना। आज संडे है, यहाँ पे भी संडे का इफेक्ट है, मतलब संडे क्लोज, दुकानें वगैरह बंद है, तो अच्छी बात है। थोड़ा मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को ना सुगम वाले इसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखाऊँ। यहाँ पे भी सुगम में भी पंडित लोग ज़्यादा रहा करते थे, सो दैट अगर किसी को आइडिया आएगा, कोई अपनी गली को जाना पहचानेगा, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात होगी। मैं इधर यार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ। जूनी आगे कहीं रुकते हैं यार, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे मैं ना स्पेंड करना चाहता हूँ। रुको रुको रुको, आगे कहीं रुक जाओ। अभी हम पहुँच गए हैं बड़बीर, जो आप पीछे देख रहे हैं ना, कल मैं इसका जिक्र कर रहा था कल वाले व्लॉग में। अनफॉर्चुनेटली कल हम उस साइड से नहीं गए थे, तो अभी जो है लगभग टाइम हो चुका है 2:45, और अभी कुपवारा लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। आई होप आज की ये जो सीरीज़ थी यहाँ तक आपने जो है एंजॉय की होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने देख ली। कुछ कहीं कहीं पे ना कैमराज जो है रिस्ट्रिक्टेड है, कैमरा को यूज़ नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी जगह हैं जिनका मैंने जिक्र इस वाले वीडियो में किया था कि किसी किसी जगह पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ हूँ। तो आई होप सारी जो है ये सीरीज़ आपने एंजॉय की होगी। फ़िलहाल हम यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद निकलते हैं हम अगली डेस्टिनेशन के लिए। लाजवाब और आला वैली है, बहुत ही खूबसूरत, हसीन और बिल्कुल डिफरेंट वैली है। चेक करें जी, बहुत सारे रूट्स बने हुए हैं, बस यही है कि टाइम निकालना है और उसके बाद एक्सप्लोर करना है। रोड ना टॉप नॉच है पूरी वैली के, भले वो हाईवे हो या लिंक रोड हो, सब परफेक्ट रोड है। हम लोग खुमरियाल वापस पहुंच गए हैं, कल हम यहाँ से कलारूस गए थे और यही रोड जो है आगे मछल जाता है, और जिसको इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में करेंगे आपके साथ शेयर। एक और है। अगर आप लोलाब की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, आगे क्रूसन का ब्रिज है, ब्रिज से पहले यहाँ पे पड़ता है ये दुकान, पास में है वैली इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी चाय एक बार ट्राई ज़रूर करें। चलें जी, मुझे मज़ा आया क्योंकि कश्मीर के ना चंद कुछ चाय वाले हैं जिनकी चाय मुझे बहुत पसंद है, उनमें से ये भी एक है। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर आबाद है, बहुत खूबसूरत बस्ती है माशाल्लाह। सो आई थिंक ये नाला जो है ये वही ऑफन वाला नाला है, अगर मैं सही नहीं हूँ, किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो पड़ता है वर्नव साइड से। मुझे लगता है कि बाकी ना छोटी छोटी नदियों का पानी मिक्स होके फिर इसमें चला जाता है। आगे आएगा गेटवे ऑफ लोलाब, वहाँ रुक के लोलाब वैली को अलविदा करते हैं। बहुत अमेजिंग ट्रिप रहा आज का, बहुत मज़ेदार रहा, थोड़ा सा ऑफ सीज़न कह सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से परफेक्ट सीज़न था। मेरे हिसाब से ऐसी वैलीज़ को एक्सप्लोर करना ये अक्टूबर के बाद बेस्ट टाइम है, बाकी हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, मेरी यही चॉइस है। मैं अगर ज़ाती बताऊँ तो जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर मज़ा आया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के ना इस विंटर के टाइम में, जबकि दिन बहुत छोटे हैं, हमने बहुत एरिया जो है उसको कवर कर लिया है। ये मैं और मेरी टीम के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हमने इतने कम टाइम में इतना एरिया जो है इसको कवर कर लिया है। फाइनली हम लोग पहुँचे हैं, ये है जी गेटवे ऑफ लोलाब वैली, यहाँ पर रुकते हैं और अपनी जर्नी जो है लोलाब की इसको यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय लोला वैली, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, नए जोश के साथ, नई टीम के साथ। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है गेटवे ऑफ लोला वैली, और करते हैं अलविदा इस पूरी सीरीज़ को यहीं पे। आई होप आपको ये सारी सीरीज़ पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो एक लाइक दबा दीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।